एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन पे भरोसा करने वाला व्यक्ति कभी परेशान नहीं होता और हर मुश्किल से आराम से बाहर निकलता है। एक बार एक हवाई जहाज आसमान में हिलने लगा। अनाउंसमेंट हुआ कि इस हवाई जहाज की इंजन में खराबी आ गई है, इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की जा रही है, आप लोग धैर्य ना खोएं। और हवाई जहाज में आप बैठे हो, कल्पना करो पहली बार बैठे हो और अनाउंसमेंट हो रहा है हम आपको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप बोलोगे किसने करवाया टिकट, किस मुहूर्त में करवाया टिकट, इतनी जल्दी जाना था है? लोग सब चिल्लाने लगे, भागने लगे इधर उधर उधर उधर, अरे बचाओ बचाओ। एक बच्ची आराम से, 10 साल की बच्ची थी, आराम से बैठी है, कोई किताब कॉमिक्स पढ़ रही है, एकदम शांत। सब भाग रहे, अरे बचाओ बचाओ, अरे भाग के जाएंगे कहां, कूदेंगे थोड़ी, लेकिन भाग रहे हैं। आदत है लोगों की परेशान होने की, पैनिक होने की। परेशान नहीं हो के आप जल्दी समस्या से बाहर आ सकते हो, परेशान हो के नहीं। बट हम परेशानी के वक्त ये भूल जाते हैं। हम अभी तो याद है, अभी तो आपको भी याद है, मुझे भी याद है, लेकिन जब प्रॉब्लम सही में आती है ना, तो हम भूल जाते हैं कि प्रॉब्लम में, परेशानी में परेशान होकर बाहर निकलना ज्यादा मुश्किल है, शांत रह के बाहर निकलना ज्यादा आसान है। सब भागने लगे, इधर बचाओ बचाओ, हे भगवान, सब मंत्र जपने लगे, प्रार्थना करने लगे, अपने परिवार को याद करने लगे। बच्ची आराम से बैठी है, आराम से। किसी ने पूछा, अरे आराम से बैठी है? बोले हाँ, कोई दिक्कत नहीं। एनीवेज हवाई जहाज लैंड हो गया, सब सकुशल पहुंच गए, सब हाँ बच गए। एक आदमी ने पूछा बच्ची से, सब घबरा रहे थे, चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे, तुझे डर नहीं लगा? बच्ची ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। बोले क्यों? बोले हवाई जहाज के पायलट मेरे पापा हैं, वही चला रहे थे, और मेरे को मालूम है कि मेरे पापा मेरे को कुछ होने नहीं देंगे। This is the belief you should do in your upline. You should keep in your upline. ये वो विश्वास है जो आपको अपने upline में रखना चाहिए, अगर आपके पास कोई active, effective and growing upline है तो। हम तो doubt ही करते रहते हैं, ये क्यों किया, upline का फायदा होगा, upline को income ज्यादा आती होगी, upline को तो पैसा ज्यादा मिलता होगा, upline ने अपने फायदे के लिए किया, हम पर बॉस बन रहा है, हम पर दबाव बना रहा है, हमको प्रेशर डाल रहा है, हमसे काम करवाना चाहता है, उसको पैसा आएगा, उसके सपने पूरे होंगे, उसकी इच्छा पूरी होगी, उसके सब गाड़ी आ जाएगी, उसके बंगले आ जाएंगे। सो साहब वो तो अपने फायदे के लिए कर रहा है, वो तो सब हमको प्रेशर बना रहा है। हम तो सोचे थे कि नौकरी में प्रेशर नहीं बनेगा, तो यहाँ पर नौकरी में प्रेशर बनता है, यहाँ पर प्रेशर नहीं होगा, यहाँ पर भी वही प्रेशर हो रहा है, यहाँ पर वही दबाव हो रहा है, हम तो इतने दबाव में काम नहीं कर सकते। हम तो अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, लेकिन आराम से करना चाहते हैं, हम इतनी मुश्किल में कर नहीं सकते, हम इतनी तकलीफ में कर नहीं सकते। कहां है विश्वास? दिखाने के लिए नहीं, यहां होना चाहिए विश्वास। अगर हमारे पास ऐसा अपलाइन है जो ग्रोइंग है, इफेक्टिव है, विजन है, सपने बड़े हैं, कमियां अच्छाइयां सब में होती है, सब में। कोई ऐसा भगवान थोड़ी, भगवान राम में भी लोगों ने कमियां ढूंढ ली, तो अपलाइन में आप कमियां ढूंढना चाहो तो ढूंढ ही लोगे। लेकिन अगर उसके पास विजन है, अगर वो लगातार आगे बढ़ रहा है, तो इतना ध्यान रखो ये बिजनेस का मॉडल ऐसा बना हुआ है, अगर वो इफेक्टिव है, ग्रोइंग है, आगे बढ़ना चाहता है, विजनरी है, आपको आगे ले जाए बिना वो आगे नहीं जा सकता, तो वो कुछ भी करेगा, तो उसको मान लेने में, विश्वास करने में आपका फायदा ही होगा।